फॉलो कर सकते हैं इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग ऐप अन अकेडमी पर। आपको करना क्या है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आपको सिर्फ सर्च करना है नित्या क्लासेस, और आप पाएंगे हमारे ढेर सारे वीडियोस डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर। तो दोस्तों आज ही फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को एक अच्छी लर्निंग के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नित्या क्लासेस में। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो भी जानकारी होती है रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन, हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो उसी के संदर्भ में एक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने अपना जारी कर दिया। बहुत दिन से आप वेट कर रहे थे कि कब भर्ती आएंगी, कब भर्ती आएंगी और कब भर्तियों का प्रोग्राम शुरू होगा। तो दोस्तों उसी भर्ती के प्रोग्राम के लिए यहाँ पर एक सूचना जारी की गई है कि आरक्षी नगर पुलिस एवं आरक्षी PAC, देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे आप, PAC के पदों 2018 की प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थियों की अभिलेख शारीरिक मानक परीक्षण के बारे में आयोजन, ये है आपका आरक्षण आयोजन जो भर्ती परीक्षा हो चुकी है उसके बारे में। और दूसरी सूचना यहाँ पर है, ये सूचना विज्ञप्ति है आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आम कांस्टेबलरी के पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018। तो दोस्तों हम बात करेंगे अभी इसके बारे में कि पहले सीधी भर्ती के हम बहुत दिन से इंतजार भी कर रहे हैं, कब से उसका है। तो मैं क्लिक कर देता हूं और देखते हैं यहां पर ये नोटिस ओपन हो जाता है। इसको क्या करना है, इस नोटिस को मैं आपको दे दे रहा हूँ, साथ में नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, नोटिस में क्या लिखा है कि आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी के पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018। देखिए नोटिस जारी जो हुआ है वो 16 नवंबर हुआ है यानी कल, और संख्या PRPBA ये 138/2018 इसकी संख्या है। उत्तर प्रदेश के पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म कांस्टेबलरी पे बैंड 5200 से 2020 ग्रेड पे 2000 के नए वेतनमान मैट्रिक्स रुपए के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आरक्षी जो नगर की परीक्षा है इसके बारे में बता देता हूँ आपको, यहाँ पर है ये आरक्षी नागरिक पुलिस जो है आरक्षी के कांस्टेबल के पद कितने, अनारक्षित यानी 15,681, अन्य पिछड़ा वर्ग 84,867, अनुसूचित जाति 6,585, अनुसूचित जनजाति 627, कुल योग देखा जाए तो 31,360 तो ये पद हैं। और आरक्षी प्रादेशिक आर्म कांस्टेबलरी के पद देखा जाए तो ये है टोटल मिलाकर 18,208 पद। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 8,6,5,9,4,49,568 टोटल पद हैं जिन पर भर्ती होनी है। दोस्तों बहुत बड़ी भर्ती दोबारा से आ गई है आपके सामने, जिसके आवेदन पूरी बार हम डिस्कस करेंगे कि कहां पर क्या करना है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं, और इसमें क्या है कि इस भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों पात्र परीक्षा देने के लिए पात्र होंगे। लेकिन बात हम सीधी करते हैं किस बारे में कि हमें जो है क्या इसकी मानदंड है क्या है। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि कब से आवेदन आरंभ होने की तिथि क्या, 19/11/2018 से आवेदन शुरू हो जाएंगे, 19 नवंबर यानी परसों मंडे से ये शुरू हो जाएंगे। अंतिम जो तिथि होगी वो 8/12/2018 तक होगी। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि होगी, और ऑफलाइन चालान जमा करने की विधि जो होगी वो 10/12/2018 से होगी। आवेदन शुल्क सभी के लिए 400 रुपये होगा। अर्हताएं क्या है वो पता है, राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय, क्योंकि इस समय मैं आपको ये समय नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय नष्ट होगा कि क्या क्या होनी चाहिए। आप सब जानते हैं भारत का नागरिक हो पढ़ा लिखा हो ये सब आपको पता है। शैक्षिक अर्हताएं की हम बात करें तो भारत में किसी बोर्ड से क्या है, 12वीं जो कक्षा है वो उत्तीर्ण होनी चाहिए, 12वीं से उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आपको 12वीं पास यहाँ चलेगा पूरा का पूरा, बाकी डिटेल आप जो है पढ़ लेंगे इसमें, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ वहाँ से जाके पढ़ लेंगे। आयु की बात करें तो जो आयु है 1/7/2018 को 18 वर्ष से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसका जन्म क्या है, 2 जुलाई 1996 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के मध्य का होना चाहिए तो वो उसके लिए एलिजिबल होंगे। महिला अभ्यर्थी की बात करें तो 18 से 25 वर्ष तक की उम्र की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इसका मतलब 22 जुलाई 1993 से पूर्व और 1 जुलाई 2000 के बाद का जन्म उनका नहीं होना चाहिए। तो आगे की बात करते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्या जानकारी इसमें हमें और मिलती है। तो पूरी जानकारी के दोस्तों ये आपको बता दिया है मैंने, ये आपका वैवाहिक परिस्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य सही होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया जो होगी वो इस तरह से होगी कि नियमावली 2015 के अनुसार होगी, और सेवा उत्तर प्रदेश आर्मगार्ड कांस्टेबल अधीन सेवा चयन समय समय पर ये तो अधीन किए जाएंगे, यह नियमावली इस पर आधारित है। लिखित परीक्षा क्या है, लिखित परीक्षा होगी, देखो सबसे पहले आएगी लिखित परीक्षा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र पूर्ण एवं सही पाए जाएंगे उनको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। 300 अंक की होगी जिसके अंदर सामान्य ज्ञान,
सामान्य हिंदी, संख्यात्मक मानसिकता योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक क्षमता के प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा में उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। ये नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जो परीक्षा अभी जल्दी में हुई है सेम उसी का पैटर्न फॉलो किया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थियों के एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों पर भी हो सकती है। लिखित परीक्षा में जो पालियों में होगी दिनांकों विभिन्न पालियों में प्रश्न पत्रों के साथ संचलित पकाए जाने की दशा में ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के चलिए तो पूरे दस्तावेज आपको पता है। तो सबसे पहले क्या होगा, यानी सबसे पहले आप क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा क्या होगा, सबसे पहले लिखित परीक्षा, उसके बाद ये ऊंचाई लंबाई की बात करते हैं, शारीरिक मापदंड क्या है। तो पुरुषों के लिए जो है 168 सेंटीमीटर चाहे वो किसी भी कैटेगरी में है, और महिलाओं के लिए जो है सीना है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाई और 84 सेंटीमीटर फुलाई हो। जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर है, और चाहे सीना कोई सा भी हो उसमें फुलाव 5 सेंटीमीटर का दोस्तों बहुत अनिवार्य है, 5 सेंटीमीटर के फुलाव के बिना वो अलेवा। महिलाओं की जो लंबाई है वो 152 सेंटीमीटर मांगी गई है, बहुत कम है 152 सेंटीमीटर सब महिलाओं के लिए, और ऊंचाई जो है अनुसूचित जनजातियों की 147 सेंटीमीटर है, और महिलाओं का जो वजन है वो 40 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद दक्षता परीक्षण है आपका, दक्षता परीक्षण में क्या होता है, दस्तावेज यानी दस्तावेज का यहाँ पर परीक्षण किया जाएगा। पहले क्या हुआ, पहले आपका रिटन है, फिर ये आपका वजन यानी फिजिकल जो आपका मापदंड होगा, फिर मान परीक्षण के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होने के लिए अपेक्षा की जाएगी, आधिकारिक प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ज होने वाले पुरुष अभ्यर्थी हुए तो 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में है, और महिला हुए तो 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में है, तो वो पूरा का पूरा है। और उसके बाद फिजिकल के बाद आपकी बनेगी अंतिम सूची, ठीक है। चयनित सूची में आपको जो भी होगा उसको दिया जाएगा, उसके बाद इसके बाद आरक्षण में वो 5 वर्ष की छूट होगी। ये पूरा का पूरा आरक्षण है, आरक्षण के बारे में तो आप पढ़ लीजिएगा बाद में, मैं इसमें नहीं बताऊँगा आपको। और प्रारूप ये है कुछ आगे पूरा का पूरा, स्वतंत्र सेनानियों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी कुछ आरक्षण दिया हुआ है, होमगार्ड के लिए भी आरक्षण है। और इसके बाद देखा जाए तो ये आपका ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, यहाँ से आप भरेंगे 19 तारीख को फॉर्म। और यहाँ पर मैं आगे आ जाता हूँ, इसमें परिशिष्ट एक में जो है कुछ दिया हुआ था, मैं उसको देख रहा हूँ। फोटोग्राफ आप चढ़ा लेंगे, 6 महीने के भीतर खिंचा हुआ फोटोग्राफ होना चाहिए। यहाँ पर बड़ी समस्या है कि ये फोटोग्राफ जब अपलोड करें याद रखिएगा फॉर्म भरते हुए छवि स्पष्ट होनी चाहिए, चेहरे पर चमक नहीं होनी चाहिए, नामांकन फोटो 6 महीने के भीतर होना चाहिए, सफ़ेद हल्के ग्रे पृष्ठ की शादी भूमि पर आवश्यक है, ठुंडी से शिखर साफ तक साफ दिखा होना चाहिए, चेहरे के दोनों किनारों साफ दिखे होने चाहिए, कैमरे पर सीधे नजर हो, चश्मा पहनने की स्थिति में आँख साफ दिखनी चाहिए, ग्लास संगीन होना चाहिए, फोटोकॉपी मतलब आदि का धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभ्यर्थी 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा व 1.5 सेंटीमीटर लंबे कागज के टुकड़े पर काली शाही से पूर्ण हस्ताक्षर कर JPG के प्रारूप स्कैन करेंगे जिसका आकार 5 KB से अधिक व 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये साइन है आपके जो आपको ऐसे करने, पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दी हुई है। तो ये था पूरा का पूरा दोस्तों, एक अच्छा मौका आपको बहुत जल्दी मिला है, और बोर्ड का अंतिम निर्णय हो गया, सबको पता है कि अंतिम निर्णय बोर्ड का ही होगा, तो ये सबसे अच्छा मौका आपको मिला है, और इस मौके को कैश कराना आपकी जिम्मेदारी है। भर्तियां शुरू हो गई है, लास्ट डेट आपको पता लग गई है, तो दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से अप्लाई कर दीजिएगा और अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी परीक्षा के लिए, और आप जिन जो बच गए थे विद्यार्थी उनके लिए पूरा मौका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।